हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लेलिस्ट के बारे में। और ये अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्लेलिस्ट की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिससे आपकी वीडियोज़ पर बहुत व्यूज़ आएंगे और उसके वो वीडियो रैंक भी करेगी। तो गाइज, वैसे तो प्लेलिस्ट बनाना सब यूट्यूबर को आता है और बहुत इजी भी है, पर उसकी कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और गाइज, सबसे पहली बात, प्लेलिस्ट बनाना अपने चैनल पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, इससे होता क्या है, जो आपके जितने वीडियोज़ होते हैं उसका जो अलग अलग टॉपिक होता है, तो कुछ वीडियो सेम टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो प्लेलिस्ट क्या करता है, उस सारे वीडियो को कैटेगराइज करके एक एल्बम बना देता है, एक फोल्डर की तरह प्लेलिस्ट बन जाती है। तो उससे होता क्या है गाइज, अगर कोई भी व्यूअर आपके चैनल पे आता है कोई भी वीडियो देखने, चाहे वो जो भी टॉपिक हो, तो अगर आप प्लेलिस्ट क्रिएट करे रहोगे तो उससे रिलेटेड और भी जो वीडियोज़ होगा तो वो व्यूअर उस वीडियोज़ को भी देखेगा, क्योंकि वो आपने कैटेगराइज किया एक प्लेलिस्ट बना के। तो गाइज, इससे होता क्या है, व्यूज़ भी बढ़ जाता है और आपके वॉच टाइम भी बढ़ने में हेल्प होती है और आपका वीडियो रैंक भी करता है। तो गाइज, मेरे हिसाब से सभी यूट्यूबर को प्लेलिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। और आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे क्या क्या सेटिंग की जाती है, क्या डाला जाता है और क्या अलग सेटिंग्स होती है, क्या डिस्क्रिप्शन डाला जाता है। मैंने सारी चीज़ बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की है, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया। तो गाइज, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प होगी अपने चैनल को ग्रो करने में, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम। तो आप देख सकते हो ये है क्रोम, तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। अब हम लोग ओपन करेंगे यूट्यूब एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने सीधे चैनल पे। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो है, तो मैं लोगो पे क्लिक करूँगा। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रिएटर स्टूडियो, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। सो गाइज, ये है हमारे चैनल का डैशबोर्ड और आप देख सकते हो इस डैशबोर्ड के नीचे वीडियो मैनेजर का ऑप्शन है, तो उस पर हम लोग को क्लिक करना है। गाइज, क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वीडियो और प्लेलिस्ट का। तो आपको ये प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने आपकी सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी जो भी आपने अपने चैनल पे क्रिएट की थी। उसके बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हो न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इससे आप न्यू प्लेलिस्ट अपने चैनल पे ऐड कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे ये पूछ रहा है प्लेलिस्ट टाइटल, तो रूबिक्स क्यूब में टाइटल दे दे रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये रूबिक्स क्यूब का नाम का एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो गया है। और उसके अलावा आपको एक चीज़ है जो जानने की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐड अ डिस्क्रिप्शन। जब भी आप प्लेलिस्ट बनाओ तो उसमें हमेशा डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालो। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। एंड गाइज, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट शेयर करनी है तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ये शेयर का ऑप्शन दिया है। तो चलिए अब मैं इस प्लेलिस्ट पे कुछ वीडियो भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऐड वीडियो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलता है, या तो आप सीधे सर्च कर लो वीडियो को, या उसका URL लो, या सीधे अपने यूट्यूब वीडियो ही पोस्ट कर लो इस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो रूबिक्स क्यूब से रिलेटेड हैं, तो मैं इसको ऐड कर दूँगा इस प्लेलिस्ट पे। यहाँ पे नीचे ऐड कर दिया। तो गाइज, अभी आप ये देखिए गाइज, यहाँ पे दो वीडियो ऐड हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में। उसके बाद गाइज, एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो प्लेलिस्ट सेटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सेट अच्छे से कर लेना जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। तो चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स है। एंड गाइज, प्लेलिस्ट प्राइवेसी के तीन ऑप्शन है, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डरिंग का ऑप्शन है, अभी तो ये मैनुअल पे सेट है, पर इसमें और भी ऑप्शन है, डेट ऐड न्यूएस्ट, जिस डेट पे आप वीडियो डालोगे उसका सबसे लेटेस्ट वीडियो ऊपर दिखाएगा। और उसके बाद है, आप नीचे देख सकते हो डेट एडेड ओल्डेस्ट, तो जो डेट एडेड ओल्डेस्ट है इसका मतलब ये है कि आप जितना पुराने वीडियो होगा जो आप इस प्लेलिस्ट में ऐड किए वो सब पे टॉप, सबसे टॉप पे दिखाएगा। एंड गाइज, ये मोस्ट पॉपुलर है, जिसके व्यू सबसे ज़्यादा होंगे। और उसके बाद है डेट पब्लिश न्यूएस्ट, सबसे न्यू वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल पे होगा। और उसके बाद है डेट पब्लिश ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वीडियो जो आपके चैनल पे होगा।
और उसके बाद गाइज यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन में आप देख सकते हो ये जो अलाउ एम्बेडिंग है इसको आपको टिक रखना है। और ये जो आप देख सकते हो लिखा है सेट एज ऑफिशियल सीरीज फॉर दिस प्लेलिस्ट, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है यूज़ दिस सेटिंग फॉर सेट्स ऑफ वीडियोस अपलोडेड टू योर चैनल एज पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल सीरीज। अ वीडियो के नॉट अपीयर इन मोर देन वन सीरीज प्लेलिस्ट। YouTube में यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मॉडिफाई हाउ द वीडियोज आर प्रेजेंटेड और डिस्कवर्ड। सो गाइस सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर टिक करोगे तो ये प्लेलिस्ट आपकी एज अ ऑफिशियल सीरीज़ बन जाएगी। तो मैं इस पर टिक नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑटो ऐड ये भी एक ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आप ऐड रूल जो ये ऑप्शन है ऐड रूल उस पर आप एक रूल बना सकते हो, जैसे यहाँ पर टाइटल कंटेंस। तो गाइस यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड लिखोगे अगर वो आपके टाइटल पे होगा तो वो वीडियो आपका ऑटो ऐड हो जाएगा इस प्लेलिस्ट में। और एक और भी आप जितने चाहे ऑप्शन बना सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंटेंट्स है, कंटेंट्स इसमें है कि अगर डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड कंटेन होगा तो वो भी ऑटो ऐड हो जाएगा। और ये टैग का ऑप्शन है। तो गाइज आप ऐसे जितने चाहो ऐड रूल करके यहाँ पे रूल ऐड कर सकते हो, बट मैं एक भी रूल अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है वो है कोलैबोरेट का। तो गाइज ये है कोलैबोरेट कैन ऐड वीडियो टू दिस प्लेलिस्ट। अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल है जिसका यूट्यूबर से कोलैबोरेट करते हो तो उसका भी वीडियो इस चैनल पे ऐड हो जाएगा इस टैग से। और ये जो नीचे आप गेट लिंक देख सकते हो उससे लिंक भी शेयर हो जाएगा, बट उस पर मैं टैग नहीं कर रहा हूँ और इसको भी ऑफ कर दे रहा हूँ। तो गाइज सिंपली अब आपको आना है बेसिक सेटिंग पे और ये अलाउ कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है। तो गाइज़ ये पूरी सेटिंग होने के बाद आपकी प्लेलिस्ट की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। लोडिंग में टाइम हो रहा है तो देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग कर दी और मेरा डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है और मैंने दो वीडियोस भी इसमें ऐड कर दिए। तो ये जो प्लेलिस्ट है मेरी अच्छे से बन गई है। तो अगर आप एक और ऑप्शन गाइज़ अगर आपको ये प्लेलिस्ट डिलीट करनी है तो यहाँ डिलीट प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन है, वो भी बताना आपको ज़रूरी है। अगर आप इन फ्यूचर डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।